हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन लास्ट लेक्चर चैप्टर नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ नेक्स्ट इन सेकेंड चैप्टर, रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल, ओके, ये वर्ड्स आपको पता है कि कोई भी जो प्रोबेबिलिटी है उसमें हम रैंडमली कोई सिलेक्शन कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ पे रैंडम वेरिएबल मेनली टू टाइप्स ऑफ होते हैं, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू। हमें जो सेकेंड चैप्टर में स्टडी करना है वो डिस्क्रीट रैंडम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, यानी डिस्क्रीट वेरिएबल हम स्टडी करेंगे, और जो नेक्स्ट थर्ड चैप्टर है उसमें हम कंटिन्यू, ओके, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इनकी रैंडम वेरिएबल के मेनली टू टाइप्स ऑफ होंगे, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यू। तो सेकेंड चैप्टर में ओनली फॉर डिस्क्रीट है, उसमें क्या आपके सिलेबस में किया नहीं है तो एक बार आप टिक कर लेना। 2.2 डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि 2.2 में सभी पॉइंट्स नहीं है। 2.21 यानी कि थियरी और इलस्ट्रेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी डिस्क्रीट, एग्जांपल नंबर 1 to 10 चेक कर लो, इलस्ट्रेशन 1 to 10 एंड एक्सरसाइज 2.1 ये आपके सिलेबस में नहीं है, वहाँ तक का कुछ भी सिलेबस में नहीं है, ओके, और उसके रिलेटेड सभी क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में होंगे वो भी नहीं है, सेक्शन ए बी सी डी ई एफ, ओके। नहीं डिस्क्रीट उसमें जो मीन वेरिएंस और उसके रिलेटेड सम है वो आपके सिलेबस में नहीं है इसका। तो फर्स्ट पॉइंट है 2.1 एंड 2.3, दो ही टॉपिक आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल देखो, वी हैव स्टडी अबाउट द रैंडम एक्सपेरिमेंट, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था। कोई भी एग्जांपल हो या कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे वो क्या होगा, रैंडमली होगा। टॉस द कॉइन, थ्रो द डाइस, ये सभी क्या है, एक्सपेरिमेंट है, वो रैंडमली उसमें से कोई भी हम सिलेक्शन करते थे। सैम्पल स्पेस, सैम्पल स्पेस यानी हमारा यू, जो टोटल आउटकम्स रहते थे उसे हम सैम्पल स्पेस यू से डिनोट करते थे। एंड प्रोबेबिलिटी इन द चैप्टर ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये सभी हमने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया। इन दिस चैप्टर वी शैल स्टडी रैंडम वेरिएबल एंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रैंडम वेरिएबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल डिफाइन द रैंडम वेरिएबल एंड देन वी शैल अंडरस्टैंड बाय इट्स इलस्ट्रेशन। सो लेट्स यू बी अ सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ यू नीड्स नॉट ऑलवेज बी नंबर। आपको पता है कि प्रीवियस चैप्टर में देखा, ऐसा नहीं कि टोटल आउटकम है किसी डिजिट या नंबर में ही होने चाहिए। कोई फैमिली है उसके 2 चिल्ड्रन तो टोटल आउटकम 4, वो हम के नंबर्स में नहीं शो करते थे, बॉय बॉय, बॉय गर्ल, गर्ल बॉय एंड बोथ आर गर्ल्स, उसी तरह हम राइट करते डिजिट में कभी सोना, फिर उसको हम डिजिट में कन्वर्ट करते थे कि सिलेक्टेड चाइल्ड इज़ अ बॉय और गर्ल्स एनीवन। नहीं सब जरूरी नहीं है कि हर एक बार जो सैम्पल स्पेस यू आपका वो डिजिट में हो, डिजिट में नहीं भी होगा। हायर वी विश टू असाइन अ स्पेसिफिक नंबर टू ईच आउटकम, लेकिन हम उसे कोई स्पेसिफिक नंबर से डिनोट करते थे, ओके, जो हमारा आउटकम्स यानी सिलेक्शन रहता था उस तरह से। तो डेफिनेशन अंडरलाइन, अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर, अ फंक्शन एसोसिएटिंग अ रियल नंबर विथ ईच आउटकम्स ऑफ यू, विथ ईच आउटकम्स ऑफ यू इज कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। जो कोई भी रियल नंबर सिलेक्ट होगा आउटकम्स यू यानी कि सैम्पल स्पेस यू में से, इट इज़ कॉल्ड अ रैंडम वेरिएबल। एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा है कि रैंडम वेरिएबल एक्स को किस तरह से डिनोट करते हैं। सो अंडरलाइन, इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स एंड दैट इज अ रैंडम वेरिएबल बेस्ड ऑन अ सैम्पल स्पेस यू इज डिनोटेड बाय एक्स इज टू यू टेंड्स टू आर। जो रैंडम वेरिएबल उसे एक्स से डिनोट करते हैं और सैम्पल स्पेस में किस तरह से, तो
एक्स इज टू यू टेंस टू आर यू, यानी कि सैंपल स्पेस यू है वो रियल नंबर ही होगा, कोई कैपिटल आर मीन्स रियल नंबर, कोई भी डिजिट होगा जो आर में इन्वॉल्व होगा। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि किस तरह से डिनोट करते हैं, एक्स इज टू यू टेंस टू आर। फॉर एग्जाम्पल द नंबर ऑफ हेड इन टॉसिंग एन अनबाइज कॉइन थ्री टाइम्स, कोई भी कॉइन हो उसको थ्री टाइम हम टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे हमारे, एच 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 टी एच टी एच टी एच एच टी 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 एच टी एच टी एच टी टी, यानी टोटल आउटकम्स क्या है, एट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर इंटीजर ही आएगा। आप कोई भी सिलेक्शन करो, ओके, हेड का सिलेक्शन करो, टेल का सिलेक्शन करो, हेड एंड टेल आर ऑल्टरनेटिवली सिलेक्शन, तो उसका आंसर इंटीजर आएंगे। इसमें कभी डेसिमल आंसर पॉसिबल है कि 1.5 2.25 4.13, कोई भी सिलेक्शन करेंगे, कोई भी प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसका आंसर क्या आएगा, इंटीजियर 1/8, ओके, टोटल आउटकम वो डेसिमल आंसर लास्ट की बात नहीं करो, जो सिलेक्शन होगा कभी इंटीजियर है, वो डेसिमल में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम कॉइन थ्रो करेंगे या फिर कोई डाइस होगी उसको टू टाइम्स थ्रो करेंगे तो क्या आएगा, आउटकम्स जो आएंगे वो ऑलवेज क्या आएंगे, इंटीजियर आएंगे, डेसिमल में पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट एग्जांपल की बात करो, सेकंड देखो, द नंबर ऑफ एक्सीडेंट ड्यूरिंग अ वीक इन सिटी, हमने कभी ऐसा नहीं बोला कि 1.5 2.25 एक्सीडेंट हुए, एक्सीडेंट मीन्स एक्सीडेंट होता है, कंप्लीटली इंटीजर ही काउंट होगा, 1 2 3 4 5, वो भी डेसिमल में पॉसिबल नहीं है एक्सीडेंट, ओके। फर्स्ट टू एग्जांपल दोनों में से एक भी वैल्यूज डेसिमल में पॉसिबल नहीं, इंटीजर ही आएगी ऑलवेज, कली ब्रैकेट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड एग्जांपल को, कली ब्रैकेट कर दो फर्स्ट एंड सेकंड को। थर्ड एग्जांपल देखो, द वेट ऑफ पर्सन इन किलोग्राम, अब यहाँ पे वेट वो परफेक्ट ही आएगा क्या, 55 kg 56 kg, क्या डेसिमल पॉसिबल है, पॉसिबल है ना, 55 kg एंड 250 grams, डेसिमल में पॉसिबल है, ओके, वेट ऑफ पर्सन वो इंटीजर आएगा वो हम श्योर नहीं बोल सकते, डेसिमल में पॉसिबल है। फोर्थ एग्जांपल देखो, द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे एट अ पर्टिकुलर प्लेस इन सेल्सियस, तो हम एक दिन की सिर्फ बात करेंगे तो भी टेम्परेचर क्या रहता है, प्लस माइनस रहते हैं, 28 डिग्री 29 डिग्री 28.7, आप चेक कर सकते हैं न्यूज़ में और आपके मोबाइल में दे दें, कभी एग्जैक्ट नहीं आएगा कि 28 29 30 31, पॉइंट में भी पॉसिबल है इंटीजर। थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल को कली ब्रैकेट कर दूँ, आपको क्वेश्चन किस तरह से पूछेंगे एग्जाम में, डिफाइन रैंडम वेरिएबल एंड गिव एनी वन इलस्ट्रेशन, अब जो फर्स्ट टू एग्जाम्पल है वो इंटीजियर वैल्यू, यानी कि वो किसके एग्जांपल रहेंगे, ध्यान रखना, मैं आगे पढ़ाऊंगा तब बोलूंगा, मैंने अभी सिर्फ कली ब्रैकेट ही करा है, फर्स्ट टू एग्जांपल, नेक्स्ट टू एग्जांपल, जो फर्स्ट टू एग्जांपल है आंसर ऑलवेज इंटीजियर होगा, वो है डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल के एग्जांपल, आपको राइट करना हो तो पेंसिल से राइट कर दो, डिस्क्रेट, ओके, रैंडम वेरिएबल टू टाइप्स करेंगे, डिस्क्रेट एंड कंटिन्यू, तो जो फर्स्ट टू एग्जांपल है वो डिस्क्रेट के, डिस्क्रेट में कभी आंसर डेसिमल में नहीं आएगा, एंड थर्ड एंड फोर्थ जो एग्जांपल है वो कंटिन्यूज रैंडम वेरिएबल का है। यदि आपने यही एग्जांपल रन किया हो तो आप तीनों फॉर्मेट में राइट कर सकते हो, यदि आपको पूछा हो कि डिफाइन रैंडम वेरिएबल एंड गिवन इलस्ट्रेशन तो भी राइट कर सकते हैं, इसमें से कोई भी डिस्क्रेट एंड कंटिन्यू, उसी तरह से डिफाइन डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल एंड गिव इलस्ट्रेशन, तो जो फर्स्ट टू एग्जांपल है वो यूज़ कर सकते हो आप, एंड उसी तरह से कंटिन्यू रैंडम वेरिएबल तो थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल उसमें आप राइट कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट देखो दिया, नंबर वन, अ बैलेंस डाइस इज टॉस वन, कोई भी बैलेंस डाइस, ओके, डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या आएगा आउटकम्स,
1 to 6, 1 2 3 4 5 6, उसमें कभी आंसर 1.5, 3.5, 4.21, ओके ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऑल इंटीजर ही आएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। इफ द नंबर ऑब्जर्व ऑन डाई इज डिनोटेड बाय यू, जो नंबर आते हैं उसको हम यू से डिनोट कर रहे हैं, देन द एलिमेंट्स ऑफ द सैंपल स्पेस यू ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी शो इन द नोटेशन ऑफ अ सेट एज फॉलो, तो उसको नोटेशन में शो किया है, यू इज इक्वल टू इन कर्ली ब्रैकेट यू वेयर यू, क्योंकि जो डाइस में नंबर मिल रहा है उसको हम यू से डिनोट किया है, सो सैंपल स्पेस यू इज इक्वल टू यू वेयर यू 1 2 3 4 5 6, ये डिजिट आएगा और इसमें से ही सिलेक्शन होगा, दैट इज यू इज इक्वल टू 1 2 6। इफ वी एसोसिएटेड अ रियल नंबर एक्स विथ एलिमेंट यू ऑफ सैंपल स्पेस बाय एक्स ऑफ यू द नंबर ऑब्टेन ऑन द डाइस देन वी कैन राइट एक्स ऑफ यू इज इक्वल टू 1 2 6। तो एक इस तरह का एग्जाम्पल है, डिस्क्रेट है कंटिन्यू बोलो डिस्क्रेट राइट करना राइट कर दो बजे में, आप रैंडम वेरिएबल में भी एग्जाम्पल है राइट कर सकते हो और डिस्क्रेट में भी ऑल्सो राइट कर सकते हैं, क्योंकि आंसर इंटीजर ही आएगा 1 2 3 4 5 6, बिटवीन आंसर नॉट पॉसिबल। देखो पैराग्राफ लास्ट राइट किया हुआ है, दस वेरिएबल एक्स विल बी अ रैंडम वेरिएबल एज्यूमिंग वैल्यू 1 2 3 4 5 एंड 6, ये वैल्यू एज्यूम करेंगे रैंडम वेरिएबल एक्स, उसके सिवाय बिटवीन कोई भी वैल्यू सिलेक्ट नहीं करेंगे। इफ द अबव इलस्ट्रेशन द एलिमेंट ऑफ यू आर न्यूमरिक, नाउ वी कंसिडर एन इलस्ट्रेशन इन विच द एलिमेंट्स ऑफ यू आर नॉन न्यूमरिक, ओके नॉन न्यूमरिक में कभी आएगा तो क्या होगा, तो नेक्स्ट जो दिया है देखो, सपोज अ बॉक्स कंटेन 4 बॉल, 1 रेड, रेड बॉल को आर से डिनोट करेंगे, 1 ब्लू बॉल सो बी, 1 येलो बॉल Y एंड 1 white ball W, वी डिनोट द रेड बॉल बाय R, द ब्लू बॉल बाय B, द येलो बॉल बाय Y एंड द white ball बाय W, इस अ साइन उसके जो है उससे हमने क्या किया डिनोट किया 4 balls को R, B, Y एंड W। अ पर्सन ड्रो 3 balls एट अ टाइम एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, अब कोई पर्सन है 3 balls रैंडमली क्या करता है सिलेक्ट करने की बात करते हैं उसमें से, द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ दिस एक्सपेरिमेंट इज, अब आपको 11th स्टैंडर्ड में कॉम्बिनेशन पता हो फॉर्मूला, तो 4 में से 3 सिलेक्शन क्या आएगा 4C3, ओके परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर में आता है कॉम्बिनेशन में, क्या 4 टोटल आउटकम्स हैं उसमें से 3 सिलेक्शन करना 4C3, 4 × 3 × 2 / 3 × 2 × आंसर इज, देखिए टोटल 4 ways हो गए सिलेक्शन के, देखो टेक्स्ट बुक में दिए हैं आर बी वाई यानी कि रेड ब्लू एंड येलो फर्स्ट सिलेक्शन, और अनदर सिलेक्शन आर बी डब्ल्यू रेड ब्लू एंड वाइट सेकेंड सिलेक्शन होगा, बी वाई डब्ल्यू ब्लू येलो एंड वाइट थर्ड सिलेक्शन, डब्ल्यू वाई आर वाइट येलो एंड रेड, फिर आप इंटरचेंज करेंगे तो बोलेंगे आउटकम्स उस सिलेक्शन में नहीं आता वो अरेंजमेंट में आएगा, ओके अरेंजमेंट में आंसर चेंज हो जाता है सिलेक्शन में कभी चेंज नहीं होता, आप रेड येलो वाइट बोलेंगे कि वाइट येलो रेड बोलेंगे तीनों से क्या है सेम ही वेज होगी एक ही सिलेक्शन होगा वो, क्लियर नहीं कि 4 वेज। सपोज फॉर द एलिमेंट ऑफ यू ऑफ यू, अब एज्यूम यू क्या कर रहे हैं द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन यू, नंबर ऑफ वाइट बॉल तो फर्स्ट हमारा जो आउटकम्स था उसमें क्या था आर बी वाई वाइट पॉसिबल है उसमें नो, यानी कि एक्स क्या होगा हमारी वैल्यू क्या एज्यूम करेगा कि 0 वाइट बॉल है ही नहीं। सेकेंड ऑप्शन आर बी डब्ल्यू बोलो वाइट वाई पॉसिबल उसमें यस, तो 1 टाइम यानी एक्स 1 वैल्यू सिलेक्ट करेगा। नेक्स्ट बी वाई डब्ल्यू तो उसमें भी 1 टाइम तो 1 तो आ गया है। नेक्स्ट
WYR, तो उसमें भी वन टाइम, यानी वाइट बॉल जो सिलेक्शन होगा उसे हमने क्या किया है, ज्यूम यू किया है, तो कितनी बार वाइट बॉल रिपीट होता है, तो वन और जीरो, यानी कि दो आउटकम्स है रैंडम वेरिएबल एक्स सिलेक्ट होने के, एक भी बार वाइट बॉल सिलेक्ट नहीं हुआ और एक बार, क्योंकि सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट नहीं है, विदाउट रिप्लेसमेंट है, सिलेक्टेड बॉल फिर से रिप्लेस नहीं हो रहा है, ओके, फोर बॉल में से थ्री बॉल एक साथ ही सिलेक्ट हो रही, विथ रिप्लेसमेंट होगा तब पॉसिबल है यहाँ पे क्या टू और थ्री, बट विदाउट रिप्लेसमेंट है, ओके, यानी कि जीरो एंड वन दो वैल्यू एज्यूम करेंगे। देखो द नंबर ऑफ वाइट बॉल इन यू देन एक्स इज इक्वल टू, फर्स्ट ऑप्शन में देखो जीरो, सेकेंड में वन, थर्ड में वन एंड फोर्थ में भी वन, दस रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यू इन सेट जीरो एंड वन, दो ही वैल्यू सिलेक्ट करेगा, या तो फिर जीरो वाइट बॉल सिलेक्ट नहीं होगा या वाइट बॉल सिलेक्ट होगा वन, द आउटकम्स ऑफ द सैम्पल स्पेस आर नॉट इन नंबर्स बट वी एसोसिएटेड देम विद द रियल नंबर बाय रैंडम वेरिएबल, ओके, सैम्पल स्पेस में नंबर नहीं दिए थे लेकिन हमें सिलेक्शन पर से डिसाइड किया कि क्या नंबर सिलेक्ट हो सकते हैं, तो जीरो और वन, देख किस तरह सा एग्जाम्पल हुआ, डिस्क्रेट या कंटिन्यू, बोलो डिस्क्रेट ये हुआ ना, क्योंकि आंसर जीरो या वन ही आया, 0.5, 1.5, 0.35, डेसिमल में पॉसिबल है ही नहीं सिलेक्शन, यानी आंसर क्या आपका क्या होगा, डिस्क्रेट टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। थर्ड देखो नेक्स्ट, सपोज द हाइट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास लाई बिटवीन 120 सेंटीमीटर एंड 180 सेंटीमीटर, 120 टू 180 सेंटीमीटर बिटवीन हाइट की बात की है, अब हाइट में डेसिमल पॉसिबल है कि नहीं है, इंटीजर ही आएगा 120, 121, 122, 123, पॉसिबल है ना, बिटवीन कोई भी वैल्यू आ सकती है, 145.3, 148.4, बिटवीन वैल्यूज, यानी 120 टू 180 बिटवीन, बोथ इंटरवल वैल्यू आर इन्वॉल्व, 120 लेस देन ऑल इक्वल टू x लेस देन ऑल इक्वल टू 180 बिटवीन ऑल डिजिट, इफ वी मेजर द हाइट ऑफ स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास then it will be assume any value between 120 centimeter and 180 centimeter. Here the sample space u, जो मैंने write किया वही है, u were 120 less than all equal to u less than all equal to 180. If we denote the height of selected student by x, then x of u is equal to the height of a selected student. Thus x becomes a random variable which we denoted as between कोई भी value x select कर सकता है 120 to 180 between कोई भी value, and if decimal also possible. So which type of example, discrete या continue, clear? क्योंकि आपको sum नहीं करने है इसलिए सिर्फ यहाँ पर ये theory पढ़नी है first में random variable में, क्योंकि discrete है ही नहीं आपके course में, clear? यानी ध्यान रखना सिर्फ इलिस्ट्रेशन एंड डेफिनेशन ही आएगी कि इलिस्ट्रेशन में क्या है, तो ओनली फॉर इंटीजर डिस्क्राइब के लिए, बराबर, और एग्जांपल कोई भी आप राइट कर सकते हो, जो फर्स्ट फोर समझाए हो नेक्स्ट थ्री नेक्स्ट सेवन में से कोई भी एग्जांपल आप राइट कर सकते हो। सेकंड पॉइंट है डिस्क्राइब रैंडम वेरिएबल, सो अंडरलाइन फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन उसकी देखो, डिस्क्राइब रैंडम वेरिएबल, अ रैंडम वेरिएबल एक्स which can assume a finite or countable infinite number of values, box बना दो words को, finite or countable infinite number of values, words आना ही चाहिए definition में, in the set of R of real number is called a discrete random variable, क्या बोला, कोई भी ऐसी value assume करे जो finite हो और countable infinite, काउंट कर सकते हैं ऐसा इनफाइनाइट है 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, लेकिन वो काउंटेबल होनी चाहिए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल, जो मैंने आपको पहले एग्जांपल भी समझाया फर्स्ट एंड सेकंड। फॉर एग्जांपल बर्थ ईयर ऑफ रैंडमली सिलेक्टेड स्टूडेंट, कोई स्टूडेंट को सिलेक्ट करेगा उसका बर्थ ईयर पूछेंगे, तो कोई ऐसा डेसिमल में आंसर बोलेगा 2001, 2002, 2003, ऐसा रैंडमली कोई ईयर्स बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई
जुलाई में उसका बॉर्न हुआ है तो क्या बोलेंगे 2014.5, ऐसा नहीं आएगा। ईयर कम्प्लीटली इंटीजर ही आएगा, ओके 2001, 2002, 2003, 2004, क्लियर। तो क्या हुआ, डिस्क्रेट एग्जाम्पल हुआ, डिस्क्रेट रैंडम वेरिएबल का, कि जो आंसर ऑलवेज क्या होगा, इंटीजर में ही आएगा। सेकेंड देखो, नंबर ऑफ ब्रोकन एग्स इन बॉक्स ऑफ सिक्स एग्स, कोई भी बॉक्स में हो वो थोड़ा क्रैक हुआ हो या पूरा, उसको हम क्या बोलेंगे, टूटा हुआ बोलेंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे नहीं 0.5% के 25% टूटा, ऐसा नहीं बोलेंगे। वो पूरा क्या है, एक टूटा हुआ ब्रोकन, टूट गया तो टूटा हुआ ही बोलेंगे उसको, क्लियर। नाउ वी शैल अंडरस्टैंड अबाउट डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल बाय सम स्पेसिफिक एग्जांपल। जो दो वर्ड्स मैंने अंडर आपको बॉक्स बनवा रहे, फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट, अभी तक के जो एग्जांपल आए डिस्क्रीट के रिलेटेड वो सभी क्या है, फाइनाइट आए हैं, जो आप काउंट कर सकते हो। फर्स्ट जो था क्वाइन वाला वो भी फाइनाइट था, सेकेंड जो था एक्सीडेंट वाला वो भी काउंटेबल था, यानी कि फाइनाइट का। फिर दो एग्जांपल जो हमने लिए थे, थर्ड बैलेंस डाइज वाला वो भी फाइनाइट था, नेक्स्ट जो हमने बोला था कि नॉन डिजिट तो वो भी फाइनाइट था, दो एग्जांपल जो लिए बर्थ ईयर एंड नंबर वो भी फाइनाइट। तो जो काउंटेबल इनफाइनाइट है उसका क्या आएगा एग्जांपल, तो अब देखना वो आएंगे वन बाय वन। फर्स्ट टू एग्जांपल इसमें भी फाइनाइट रिलेटेड हो गया, और जो लास्ट है काउंटेबल इनफाइनाइट का थर्ड होगा एग्जांपल। देखो नंबर वन, सपोज देयर इज वन ब्लैक एंड टू वाइट बॉल इन अ बॉक्स, वन ब्लैक एंड टू वाइट बॉल है कोई बॉक्स में। सपोज द ब्लैक बॉल इज डिनोटेड बाय बी एंड टू वाइट बॉल बाय डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, जो ब्लैक बॉल है उसको हम बी से डिनोट करें, और दो जो वाइट बॉल है उसका डब्ल्यू वन एंड डब्ल्यू टू, यानी कि टोटल थ्री बॉल्स हो गए। अ पर्सन कैन प्ले द फॉलोइंग गेम बाय पेइंग रुपीज 50, अंडरलाइन पेइंग रुपीज 15, 15 रुपीज वो पे करता है और गेम स्टार्ट करता है खेलने के लिए। द पर्सन प्लेइंग अ गेम इज आस्क्ड टू सिलेक्ट टू बॉल्स रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट, अंडरलाइन टू बॉल्स रैंडमली विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो यूनिट जो बॉल्स पहले सिलेक्ट हुआ है वो फिर से सिलेक्ट हो सकता है, पॉसिबल है। नहीं क्या होगा, एक बॉल सिलेक्ट करेंगे उसका डिनोट करेंगे वापस रख देंगे, फिर बॉक्स में जैसे फिर से सिलेक्ट करेंगे विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि जो फर्स्ट वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ तो फिर से भी डब्ल्यू वन सिलेक्ट हो सकता है विथ रिप्लेसमेंट। ही इज पेड एन अमाउंट अकॉर्डिंग टू द कलर ऑफ द बॉल सिलेक्टेड बाई हिम एज पर द फॉलोइंग कंडीशन, इफ वी अ वाइट बॉल इज सिलेक्टेड देन 5 rupees आर पेड फॉर इच सिलेक्टेड वाइट बॉल, एंड इफ अ ब्लैक बॉल इज सिलेक्टेड देन 15 rupees आर पेड फॉर ब्लैक बॉल। यदि ब्लैक बॉल सिलेक्ट हुआ तो उस पर्सन को हम 15 rupees पे करेंगे, एंड वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ तो 5 rupees पे करेंगे। उसे जितनी बार गेम खेलनी हो तो उसको 15 rupees तो पे करनी है, पेइंग 15 rupees। फर्स्ट बार उस फर्स्ट टाइम वो गेम खेल रहा है सपोज, और सिलेक्शन हुआ, उसने दो बॉल निकाले फर्स्ट भाई ब्लैक, फिर से सिलेक्शन किया तो ब्लैक, यदि ब्लैक बॉल सिलेक्ट हुआ उसको उसको कितने पे करने हैं, 15 rupees। सो 15 + 15, और गेम खेलने के लिए उसने कितने पे किए, 15 rupees माइनस 15, तो उसका बेनिफिट कितना हुआ, 15 rupees हुआ, क्योंकि ब्लैक बॉल सिलेक्ट हो तो उसको हम 15 rupees पे करेंगे। उसने फर्स्ट बॉक्स में तो बॉल निकाला ब्लैक की, वो वापस रख दिया, फिर से रैंडमली बॉल सिलेक्ट किया ब्लैक किया, यानी उसको टोटल 30 rupees मिले, गेम खेलने के लिए उसने 15 rupees पे किए थे, यानी कि 15 rupees उसका बेनिफिट हुआ। सेकेंड ऑप्शन क्या पॉसिबल है, कि फर्स्ट वे जो सिलेक्शन किया ब्लैक बॉल सिलेक्ट हुआ, एंड सेकेंड टाइम W1, यानी कि फर्स्ट वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ, सो 15 ब्लैक बॉल के, एंड 5 बॉल वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ तो उसके कितने रुपीस पे करने हैं, उसको 5 rupees हमें,
यानी कि उसका 20 रुपीज़ रिसीव हुए, गेम खेलने के लिए उसने फिर से 15 रुपीज़ पे किए, यानी 5 रुपीज़ उसका क्या हुआ, बेनिफिट। नेक्स्ट, फर्स्ट सिलेक्शन हुआ ब्लैक बॉल, सेकेंड में क्या आया W2, यानी कि सेकेंड जो वाइट बॉल था वो सिलेक्ट हुआ, यानी कि 15 + 5 टोटल 20 रुपीज़ रिसीव हुए, 15 रुपीज़ उसने पे किए, 5 रुपीज़ उसका बेनिफिट हुआ। नेक्स्ट, तो फर्स्ट टाइम क्या हुआ, W1 वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ फर्स्ट, और उसके साथ B ब्लैक बॉल सेकेंड वेज में सिलेक्ट हुआ, यानी कि 5 + 15 20 रुपीज़ रिसीव हुए, उसने 15 रुपीज़ पे किए, तो बेनिफिट क्या हुआ उसका, 5 रुपीज़ का। नेक्स्ट वे W1 बोथ टाइम फर्स्ट जो वाइट बॉल था वही सिलेक्ट हुआ, वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ तो 5 रुपीज़, तो 5 + 5 10 रुपीज़ उसको रिसीव हुए, और उसने गेम खेलने के लिए कितने पे किए, 15 रुपीज़ पे किए, तो 10 - 15 यानी कि 5 रुपीज़ का उसका क्या हुआ, लॉस हुआ। फिर से फर्स्ट जो वे सिलेक्शन किया फर्स्ट वाइट बॉल है, उसके साथ सेकेंड वाइट बॉल सिलेक्ट हुआ, बोथ आर वाइट्स, सो 5 रुपीज़, 5 + 5 10 रुपीज़ रिसीव हुए, 15 रुपीज़ उसने पे किए, यानी 5 रुपीज़ का उसका लॉस हुआ। फिर से उसी तरह से W2 B, तो क्या हुआ, 5 + 15 - 15 यानी कि 5 रुपीज़ का उसका बेनिफिट हुआ। फिर से उसी तरह से W2 W1 बोथ सिलेक्टेड आर वाइट बॉल, 5 + 5 - 15 5 रुपीज़ का लॉस हुआ। W2 W2 बोथ आर सेकेंड वाइट बॉल, सो 5 + 5 - 15 तो यहाँ पे जो वैल्यू आई ये एक्स की वैल्यू है, रैंडम वेरिएबल एक्स की, तो रैंडम वेरिएबल एक्स कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, तो एक्स -5, 5 या 15 ये तीनों में से ही कोई एक वैल्यू सिलेक्ट करेगा, उसके से अनदर ऑप्शन आर नॉट पॉसिबल, और कोई भी आंसर नहीं आएगा। आप कोई भी वेज ले लो, टोटल 9 वेज ही आएगी, क्योंकि 3 बॉल्स हैं, अरेंजमेंट करेंगे तो 3p3 यानी कि 3 फैक्टोरियल इस तरह से आप राइट करेंगे तो क्या होगा, 3 × 2 × 1 बराबर, इस तरह से सिलेक्शन नहीं करना है, विथ रिप्लेसमेंट है, तो विथ रिप्लेसमेंट में चेंजेस क्या आएगा, 3c1 × 3c1 3 × 3 टोटल 9 वेज सिलेक्शन है। वर्ड्स देखो, 2 बॉल्स आर रैंडमली सिलेक्टेड विथ रिप्लेसमेंट, यानी कि फर्स्ट एक बॉल सिलेक्ट होगा, वापस बॉक्स में रख देंगे, एंड फिर से उसमें 3 ही बॉल है, उसमें से फिर से एक बॉल सिलेक्ट है, यानी ए वेज आएगा, ये परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन अरेंजमेंट की बात तो की नहीं है यहाँ पे, नहीं तो टोटल 6 वेज हो जाते, ये क्या है, सिलेक्शन है, एंड विथ रिप्लेसमेंट नहीं, टोटल 9 वेज होगी। तो रैंडम वेरिएबल एक्स जो हमने आंसर फाइंड किया वो कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, या तो फिर -5, 5 और 15 देखो टेक्स्ट बुक में। नेक्स्ट पेज जो टेबल दिया हुआ है कि आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट इवेंट, इट मींस तो टोटल 9 आउटकम्स पॉसिबल है जो उन्होंने 1 by 1 राइट किए। द अमाउंट रिसीव्ड बाय द पर्सन बाय पेइंग द गेम, जो हमने फर्स्ट 2 डिजिट वैल्यूज राइट किए, अमाउंट पेइंग फॉर द कस्टमर, जो खेल रहा है पर्सन उसको हम पे करेंगे। थर्ड, द अमाउंट पेड टू प्ले द गेम, जो हमने -15 किए वो उसने पे किया होगा, ईच एंड एवरी गेम जितनी बार वो खेलेगा उतनी बार उसको 15 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। एंड थर्ड, द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि जो डिफरेंस आया उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो हुआ हमारा रैंडम वेरिएबल एक्स। तो रैंडम वेरिएबल एक्स कौन सी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता है, या तो -5, 5 या तो फिर 15, बस। तो ये तीनों वैल्यू क्या है, फाइनाइट, तो फाइनाइट जो वर्ड्स था डेफिनेशन में उसके रिलेटेड हो गए। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, देखो आफ्टर टेबल पैराग्राफ दिया हुआ है, दस द रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द वैल्यूज -5, 5 and 15 ओनली, दैट इज द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एक्स इज फाइनाइट, देखो वर्ड्स भी लिखा हुआ है, फाइनाइट इसको बोलते हैं। सेकेंड, सपोज अ कॉइन इज टॉस अनटिल आइदर अ टेल और 4 हेड, जब तक टेल नो आए तब तक एक्सपेरिमेंट हमें कंटिन्यू ही रखना है, और अनदर ऑप्शन दिया है, या तो फिर 4 हेड आ जाए तब तक हमें एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू करना है,
दोनों में से जो पहले आ जाए तब तक। लेट एक्स डिनोटेड द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, हमने कॉइन टॉस किया, आंसर आया टेल एक्सपेरिमेंट इज ओवर। अनदर सेकेंड ऑप्शन क्या बन सकता है, टॉस किया हेड आया, सेकेंड टाइम टॉस किया टेल आया, एक्सपेरिमेंट इज ओवर। नेक्स्ट फर्स्ट टू टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल, टेल आए तब तक, या तो फिर फोर टाइम्स हेड आए तब तक हमें एक्सपेरिमेंट क्या है कंटिन्यू रखना है। नेक्स्ट फर्स्ट थ्री टाइम्स हेड एंड फोर्थ टाइम टेल, नेक्स्ट फर्स्ट थ्री टाइम फोर टाइम हेड, तो फिर एक्सपेरिमेंट ओवर हो गया। तो यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल है ना कि फर्स्ट टाइम जो टॉस हम करेंगे तो हेड भी आ सकता है कि नहीं आ सकता, पॉसिबल है कि नहीं है। कॉइन टॉस किया, ऐसा तो नहीं है कि टेल ही आएगा, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा भी पॉसिबल है कि हेड आ सकता है नहीं आएगा, बोलो। कॉइन टॉस करेंगे तो फर्स्ट ऑप्शन टेल ही आएगा कि हेड आ सकता है, हेड आ सकता है ना कि नहीं आएगा, लेकिन हमें तो क्या बोला है, इसलिए बोला क्वेश्चन प्रॉपरली लर्न करो। देखो क्या बोला था, द कॉइन इज टॉल अंटिल आइदर अ टेल, टेल आए तभी एक्सपेरिमेंट ओवर करना है, या तो फिर फर्स्ट फोर टाइम हेड, यदि हमने फर्स्ट टाइम हेड राइट किया तो दोनों में से एक भी प्रोबेबिलिटी कंप्लीट नहीं होती, नहीं तो टेल है नहीं तो फोर टाइम्स हेड है, यानी कि फर्स्ट टाइम हेड आए तभी एक्सपेरिमेंट ओवर होगा, या तो फिर सेकेंड टाइम थर्ड टाइम फोर टाइम, नहीं तो फिर फोर टाइम्स रिपीटेड फॉर हेड। बस तो हमने कॉइन कितनी बार टॉस किया, वन टाइम, यहाँ पे टू टाइम, थ्री टाइम, फोर टाइम, फोर टाइम, टेल आए तभी एक्सपेरिमेंट ओवर करना है, या तो फिर फर्स्ट फोर टाइम्स हेड आए तब एक्सपेरिमेंट हमें कंप्लीट कर देना, बस अब इससे आगे हम नहीं जा सकते क्योंकि फोर टाइम हेड्स आ गया। हमें रिक्वायर्ड क्या थी, तो लेट एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड, यानी वेरिएबल एक्स कौन सी वैल्यू एज्यूम कर सकता है, तो वन टू थ्री फोर फोर, यानी कि वन टू थ्री फोर, ये दोनों कॉमन ही लेंगे हम। द रैंडम वेरिएबल, देखो द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट इज, जो राइट किया है सैंपल स्पेस वही है इसी तरह का। द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोट द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड फॉर द कॉइन एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट एंड इट एज्यूम एनी वन वैल्यू आउट ऑफ वन टू थ्री एंड फोर, यानी कि वन टू थ्री फोर में से ही कोई एक वैल्यू एज्यूम करेगा हमारा एक्स, और उसका सैंपल पॉइंट भी दिया हुआ है, देखो वन टू थ्री फोर। द डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम द फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू, ये भी कौन सा है, फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यू। अब जो हमारा नेक्स्ट जो वर्ड्स था, क्या वर्ड्स था, काउंटेबल इनफाइनाइट, और थर्ड एग्जांपल है, देखो एग्जांपल नंबर थ्री, कंसिडर द रैंडम वेरिएबल एक्स डिनोटिंग द नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड, अंडरलाइन नंबर ऑफ टेल्स बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड, हेड आए उसके पहले जो टेल आता है उसका आंसर हमें राइट करना है। ओके क्या बोला था, द फर्स्ट सॉरी नंबर ऑफ टेल बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड, कॉइन को टॉस किया और हेड आए तो हेड के पहले टेल कितनी बार आ सकता है वो हमें राइट करना है। इन द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन टिल द फर्स्ट हेड इज ऑफ टेन, कॉइन हमने टॉस किया, आंसर हमारा आया हेड, राइट किया हमने एक्सपेरिमेंट एच। सेकेंड ऑप्शन क्या पॉसिबल है, टी एच, टी टी एच, थ्री टाइम टी एच, ऐसा तो कभी भी बन सकता है। हमें क्या बोला कि बिफोर हेड टेल कितनी बार है, चलो इसके पहले टेल कितनी बार है, जीरो, सेकेंड में वन, टू, ऐसा तो इन्फिनिटी कभी भी बन सकता है ना। बिफोर हेड टेल कितनी बार रिपीट हुआ, कॉइन टॉस के आंसर आया हेड,
यानी कि टेल कितनी बार आया, जीरो, एक्सपेरिमेंट ओवर। अनदर ऑप्शन, फर्स्ट टाइम टेल, सेकेंड टाइम हेड, तो बिफोर हेड वन टाइम, फर्स्ट टू टाइम टेल, थर्ड टाइम हेड, सो बिफोर हेड टू टाइम, थ्री टाइम, फोर, फाइव, सिक्स, इन्फिनिटी, यानी काउंटेबल इनफाइनाइट का एग्जाम्पल हो। देखो, इन दिस एक्सपेरिमेंट हेड विल अपीयर आइदर इन द फर्स्ट ट्रायल और इन द सेकेंड ट्रायल और इन द थर्ड ट्रायल एंड सो ऑन। सिमिलरली द फर्स्ट हेड मे बी ऑब्टेन आफ्टर टॉसिंग अ कॉइन इनफाइनाइट टाइम्स, ये तो कभी भी आंसर आ सकता है हेड का, इनफाइनाइट। हैंस द सैंपल स्पेस एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट बिकम यू इज इक्वल टू एच टी एच टी टी एच इनफाइनाइट। दस द नंबर ऑफ ट्रायल बिफोर गेटिंग द फर्स्ट हेड विल बी जीरो, वन, टू, थ्री, डॉट डॉट डॉट, इन्फिनिटी। दस द रैंडम वेरिएबल एक्स एज्यूम एनी वन वैल्यू ऑफ द काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, ओके, काउंटेबल इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से आता है। यानी कि फाइनाइट एंड काउंटेबल इनफाइनाइट, ये दोनों वर्ड्स के रिलेटेड एग्जाम्पल यहाँ पे आ गए।